नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने एक बड़े फेरबदल के हिस्से के तौर पर अचानक देश की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख को हटा दिया और साथ ही सेना के शीर्ष अधिकारियों में कई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जनरल बाजवा, जिन्होंने दो हफ्ते पहले ही जनरल राहिल शरीफ की जगह ली है, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को ISI के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया है। दरअसल भारतीय सेना की ओर से बेहद गुप्त तरीके से अंजाम दी गई सर्जिकल स्ट्राइक की भनक तक पाक खुफिया एजेंसी को नहीं लग सकी थी, इसी वजह से जनरल अख्तर पर सवाल उठ रहे थे। साथ ही जनरल अख्तर उस वक्त भी विवादों में थे जब पाकिस्तानी अखबार डॉन ने की रिपोर्ट में लिखा गया था कि पाकिस्तान के नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने सेना से कहा है कि वह या तो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक अलगाव का सामना करे। आपको बता दें कि जनरल अख्तर ने नवंबर 2014 में पदभार संभाला था और उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई थी, लेकिन उन्हें उससे पहले ही अपने पद से हटा दिया गया। अब तक के लिए इतना है। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।